कि घूस का बात होता है, तो पिछले साल ही 2023 में ही मेरा भी बिहार फायरमैन में रिजल्ट हुआ था, जिसके लिए मैं रनिंग करने के लिए सासाराम फील्ड ज्वाइन की थी एकेडमी। तो वहाँ पे मेरा वेट काफ़ी कम था, क्योंकि मैं SI किसी अपने गलती की वजह से मैं SI में रिजल्ट नहीं दे पाई थी। SI मेंस में मेरा रिजल्ट किसी थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से नहीं हो पाया था, तो मैं काफ़ी अंदर से टूट गई थी, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत बहुत मेहनत की थी, बहुत अपना 100% दे दी थी। तो मैं उससे बहुत डिप्रेशन में जाने लगी थी कि अब क्या होगा, कुछ नहीं है, क्योंकि घर से भी प्रेशर था। हर लोग बोलता था कि शादी कर दो शादी कर दो, लेकिन मुझे शादी नहीं, मुझे पहले अपना करियर बनाना था। इसलिए हमेशा मुझे डर लगता था, जब भी मेरे घर में शादी का बात आता था तो मैं रोने लगती थी। तो गई मैं वहाँ, तो मेरा वेट काफ़ी कम था। तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, मेरा भाई बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा वेट हम लोग बढ़वाएंगे कैसे भी करके। वो तरह तरह का खाने के लिए हमको ला के देता था, मेरी मम्मी मेरे साथ रह करके सासाराम में मेरा वेट गेन की। लेकिन फाइनली जब मैं वहाँ ग्राउंड में गई तो 700 ग्राम मेरा वेट कम हो गया था, जिसके कारण मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं वेट में छट गई। और बहुत बहुत रोई थी फील्ड में बहुत। और जैसे ही मैं बाहर निकली तो मेरा भाई बोला कि अगर किस्मत से लाई होगी तो रोगी, अगर मेहनत से लाई होगी रिजल्ट तो फिर से रिजल्ट आएगा और एक शब्द नहीं निकालोगी मुंह से। तो मैं उसी टाइम चुप हो गई और ठान ली कि नहीं, सच में मैं अपने मेहनत से लाई हूँ तो फिर आएगा मेरा रिजल्ट। और फाइनली इसमें तो आया ही मेरा, और अभी मेरा SI मेंस भी क्लियर हुआ है, मेरा फिजिकल बाकी है। और बस थैंक यू। हाँ, ये ममता, आपने एक शब्द कहा जो इमोशनल शब्द थे, थैंक्स पापा। ये सफलता की पहली सीढ़ी है, आपने SI फील्ड निकाला है, कई और आपने लक्ष्य तय किए हैं। ये जो थैंक्स पापा है, आप जैसे सहपाठियों के, जो खास करके लड़कियां हैं, समाज को ये संदेश देने का काम होता है। संघर्ष के दिन में कौन से इमोशनल पल थे जो आपको लगा कि आप एकदम टूट गए हैं और आप सफलता की ओर नहीं जा क्योंकि सकते? इस कंपटीशन में बार बार गिरना बार बार उठना इतना आसान नहीं होता है। सारा शरीर का एनर्जी, जैसे जिस दिन मेहनत करिए और रिजल्ट किसी कारण से आपका आता, मतलब रिजल्ट आता है और किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है फाइनली, तो उस इंसान पर बीतता है, वही जानता है कि कितना वो टूट जाता है। और फिर वापस से उठना, इसमें मेरा भाई मेरे मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट करते थे कि नहीं तुम कर सकती हो, आगे ट्राई करो। मतलब कभी हमको डांटते नहीं थे कि तुम्हारा ऐसे नहीं हो पाया वैसे नहीं हो पाया। यहाँ तक मैं पढ़ते पढ़ते सो जाती थी, मुझे खाने का भी होश नहीं रहता था, जो कि मैं खाने में थोड़ी सी नुकरा हूँ। तो मेरे पापा ड्यूटी से 10 बजे रात को भी आते थे, तो वो मुझे नींद में ही खिला देते थे और मुझे पता भी नहीं रहता था, सो जाती थी। और सुबह अगर लेट होता था, क्योंकि भोर हो जाता था उठते उठते पढ़ते पढ़ते, तो कभी, क्योंकि मैं थोड़ी सी ये हूँ कि जब मैं किसी काम में लग जाती हूँ तो मेरा जब जब तक वो काम कंप्लीट ना हो जाए मैं वहाँ से उठती नहीं हूँ। तो बस वही है। तो पापा बहुत हेल्प किए मेरा, किताब कॉपी सजाना, कहीं रखना, अगर मैं कहीं भी खाने के लिए हमेशा ध्यान देना, मुँह में खिलाना, और हर एक, और थैंक यू मेरे दोनों भाई का, जो एक माँ की तरह हम बड़े हैं अपने दोनों भाई से, लेकिन कभी हमको ऐसा फील नहीं हुआ कि हम बड़े हैं। मेरा दोनों भाई हमको एकदम अपनी छोटी बहन की तरह रखा और मम्मी की तरह ख्याल रखता है मेरा दोनों भाई। और ममता, दो शब्द थे आपके जो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा का काम करेगा, असफलता और डिप्रेशन। ये चीजों को आपने पार किया, कई असफलताएं आपको मिली, कई ताने भी मिले, इसके बाद भी आप उस चीज को नहीं चुना जहां असफलता की ओर ले जाए, वो था डिप्रेशन। जो बच्चे आज के डेट में वैसे चीजों को चुनते हैं, उनको आपसे सीखना चाहिए, क्या कहेंगे? कारण ये था कि हम हर कोई टूटता है, अगर मेहनत करे और उसको वो चीज़ ना मिले तो एक समय के लिए लगता है कि अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि मेरे लिए मेरा दोस्त, मेरा हर चीज़, मेरा किताब ही था, कभी मेरे माइंड में इसके अलावा कुछ आया ही नहीं। किसी चीज़ का शौक नहीं है मुझे, सिर्फ मेरे दिमाग में था कि मुझे पढ़ना है, कुछ करना है, और मेरा टारगेट बहुत बड़ा है। अभी भी मेरी पढ़ाई आगे अभी चल रही है और आगे तक चलेगी। और
इसमें मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे पापा थे, क्योंकि मैं जब भी गड़बड़ाती थी या फिर मेरे दिमाग में उल्टा सीधा आता था तो मेरे पापा का चेहरा मुझे नजर आता था, मेरे पापा का वो मेहनत। जब मेरे पापा कहीं से आते थे और उनको कोई बोलता था कि आपकी बेटी का रिजल्ट हुआ है या फिर आपकी बेटी ये, तो मेरे पापा बोलते थे कि आज दिन भर का सारा थकान मेरा मिट गया। तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट किया। मेरी मम्मी, जब मैं हमेशा अपनी मम्मी का चेहरा देखती थी जब भी डिमोटिवेट होती थी, तो क्योंकि हमेशा जब मुझे जाना भी होता था ट्यूशन के लिए भी, तो मैं तिलौतू 4 बजे ही बस पकड़ के जाती थी, चूँकि मेरा 5 बजे से ट्यूशन था, तो मेरी मम्मी मेरे साथ जगती थी और मैं रेडी होती, मेरी मम्मी खाना बना करके इधर उधर दौड़ते रहती थी लेकर के मुंह में खिलाने के लिए, और मैं उनको डांटते रहती थी कि मेरा लेट हो रहा है लेट हो रहा है, लेकिन वो बाहर तक मतलब मेरे लिए निकल जाती थी कि खा करके जाओ खा करके जाओ।